गुड मॉर्निंग स्टूडेंट ऑल ऑफ यू. चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग बाय धनजी सर. आप लोगों से रिक्वेस्ट है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे. इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का आज लेक्चर नंबर 3 है और लेक्चर 1, लेक्चर 2 ये आपका वीडियो बन गया है और अपलोड भी हो गया है और आप लोग देख भी लिए हैं. तो कल के वीडियो में प्रॉपर्टीज नंबर 1 का जो फर्स्ट फार्मूला है ये प्रूफ कर दिए हैं और आज के वीडियो में सेकेंड और थर्ड फार्मूला को हम प्रूफ करेंगे. तो चलिए प्रूफ करते हैं. देख लीजिए, सेकेंड नंबर फार्मूला है टैन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2. ये आपको प्रूफ करेंगे. तो यहां पर लिखेंगे प्रूफ, यहां पर लिखेंगे प्रूफ. तो देख लीजिए, यहां पर दो इनवर्स है, एक टैन इनवर्स एक्स है और एक कॉट इनवर्स एक्स है, ठीक ना. तो ये दोनों इनवर्स इनवर्स मिले, आप इसमें से कोई एक इनवर्स लीजिए, चाहे टैन इनवर्स एक्स लीजिए चाहे कॉट इनवर्स एक्स लीजिए, ठीक ना. तो चलिए हम टैन इनवर्स एक्स लेते हैं. तो यहां लिखना है माना टैन इनवर्स एक्स बराबर वाई. तो ध्यान दीजिए, यहां पर हम टैन इनवर्स एक्स लिए हैं और इसको क्या मान लिए हैं, तो y, ठीक ना. तो इसके अब आगे देखेंगे, यहां जो tan है ये इनवर्स में है, यहां पर जो tan है ये इनवर्स में है. जब ये राइट साइड में जाएंगे तो ये इनवर्स हट जाएगा, जब ये राइट साइड में जाएगा तो ये इनवर्स हट जाएगा. तो अब यहां पर क्या बचेगा, तो यहां पर बचेगा x बराबर, ये चल जाएगा इधर, तो ये क्या हो जाएगा tan y, ये क्या हो जाएगा tan y, ठीक ना. तो हम कह सकते हैं y का जो वैल्यू है यानी मान है ये tan बस x हो गया और जो x का वैल्यू है ये क्या हो गया tan y, ठीक ना. अब इसके आगे हम देखेंगे, देखिए यहां x का तो x लिख दिए, यहां लिखा गया tan y. तो यहां पर आप देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट देखिए, tan y के जगह पर क्या यहां लिखा गया है, देखिए tan y के जगह पर लिखा गया है cot 90 डिग्री माइनस y. क्या लिखा गया है cot 90 डिग्री माइनस y, ये tan y के जगह पर लिखा गया है. तो हम tan y के जगह पर लिख देंगे, देखिए क्या लिखेंगे cot 90 डिग्री माइनस y, ठीक ना. तो अब इसके आगे देखेंगे, ये जो cot है ये इनवर्स में नहीं है, लेकिन ये जब लेफ्ट साइड में आएगा तो ये इनवर्स हो जाएगा. देख लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cot इनवर्स x बराबर, यहां पर क्या बचेगा, बच जाएगा 90 डिग्री माइनस y, 90 डिग्री माइनस y, ठीक ना. तो अब देखिए इसके आगे, ये माइनस है इधर आएगा तो ये क्या बन जाएगा प्लस, ये जो वाई है ये माइनस है, जब ये लेफ्ट साइड में आएगा तो ये क्या बन जाएगा, तो प्लस बन जाएगा, ठीक ना. तो ये लिखेंगे कॉट इनवर्स एक्स प्लस वाई बराबर 90 डिग्री, ठीक ना. तो अब इसके आगे है
कॉट इनवर्स एक्स प्लस वाई, यहां पर वाई है ना, तो देख लीजिए वाई का वैल्यू यहां पर कितना है, वाई का वैल्यू यहां पर कितना है, तो टाइन इनवर्स एक्स, यहां लिखेंगे वाई की जगह पर क्या लिखेंगे, टाइन इनवर्स एक्स बराबर ये 90 डिग्री है, तो इसको हम रेडियन में चेंज करेंगे, जब रेडियन में चेंज करेंगे तो यहां पर कितना हो जाएगा, तो पाई बाई टू, जब 90 डिग्री को जब हम रेडियन में चेंज करेंगे यहां पर कितना हो जाएगा, पाई बाई टू, क्योंकि कल के वीडियो में आपको बता चुके हैं और एक बार फिर से देख लीजिए, तो ये 90 डिग्री है, इसको हमको रेडियन में चेंज करना है, तो यहां लिख सकते हैं 90 डिग्री गुने पाई बाई 180 डिग्री, यहां कटा दीजिए 90 दुना का 180 डिग्री, यहां पर क्या बच जाएगा, पाई बाई टू, ठीक ना, यानी जब भी हमको डिग्री को रेडियन में चेंज करना होगा तो हम उसमें पाई बाई 180 डिग्री से गुना करेंगे, ठीक ना, तो ये आपको गुना कर दिया हो गया पाई बाई टू। अब इसको सजा देते हैं, देख लीजिए यहां लिख देंगे इसलिए टैन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई टू, ठीक ना, तो ये प्रूफ आपका हो गया, ये प्रूफ आपका हो गया, ठीक ना, ये प्रूफ आपका हो गया, कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, अगर कोई डाउट है तो आप बोलिए, कमेंट कीजिए, हमको दिक्कत है या फिर से समझाएं, चलिए प्रॉब्लम नहीं है, तो नहीं है तो आगे बढ़ते हैं, ये दो नंबर आपका है, फर्स्ट प्रॉपर्टीज का दो नंबर फॉर्मूला है, अब तीसरा नंबर फॉर्मूला प्रूफ करेंगे, ठीक ना, देख लीजिए, तीसरा नंबर फॉर्मूला है sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x बराबर पाई बाई टू, अब हमको ये प्रूफ करना है, तो यहां लिखेंगे प्रूफ, यहां पर हम लिखेंगे प्रूफ, तो सबसे पहले यहां पर इनवर्स कितने हैं, दो इनवर्स हैं, एक है sec इनवर्स x और एक क्या है cosec इनवर्स x, तो ये दोनों इनवर्स में से कोई आप एक इनवर्स लीजिए, चाहे आप sec इनवर्स x लीजिए, चाहे आप cosec इनवर्स x लीजिए, ठीक ना, तो चलिए हम लेते हैं इस बार हम लेते हैं cosec इनवर्स x, इस बार cosec इनवर्स x लेते हैं, तो यहां लिखना पड़ेगा माना cosec इनवर्स x बराबर y, यहां पर हम क्या लिए हैं cosec इनवर्स x, इसको हम क्या मान लिए हैं, तो y, ठीक ना, तो अब ध्यान दीजिए, आगे अब ध्यान देंगे हम, तो यहां पर तो इनवर्स है, लेकिन ये जब राइट साइड में जाएगा तो ये इनवर्स हट जाएगा, यहां पर ये इनवर्स है लेकिन ये राइट साइड में जाएगा तो ये इनवर्स आपका क्या हो जाएगा, हट जाएगा, देख लीजिए, तो यहां पर क्या बचेगा एक्स, ये चला जाएगा तो ये वह क्या हो जाएगा cosec y हो जाएगा, तो यहां पर कह सकते हैं y का वैल्यू कितना है cosec इनवर्स x, x का वैल्यू कितना है तो cosec y, ठीक ना, तो अब इसके आगे जानते हैं, यहां x का x लिख देंगे, अब यहां पर कितना लिखा गया है cosec y, अब इधर हम देखेंगे cosec y के जगह पर इधर में क्या लिखा गया है, यहां पर क्या है cosec y, तो cosec y के जगह पर यहां पर क्या है देख लीजिए, ये है ना cosec, ये है, ये cosec y है, इसके जगह पर यहां पर क्या लिखे हैं, तो sec 90 डिग्री माइनस y, क्या लिखे हैं sec 90 डिग्री माइनस y, तो यहां लिखेंगे sec 90 डिग्री माइनस y, ठीक ना, अब देखिए क्या करेंगे, ये जो sec है ये तो इनवर्स नहीं है, लेकिन जब ये लेफ्ट साइड में आएगा
तो ये क्या हो जाएगा? इनवर्स। ये क्या हो जाएगा? इनवर्स। देख लीजिए, तो ये हो जाएगा sec इनवर्स x बराबर क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस y, ठीक ना। तो अब यहां देखिए, ये जो y है इधर माइनस है, राइट साइड में माइनस है, लेकिन ये जब लेफ्ट साइड में आएगा तो ये क्या हो जाएगा? प्लस। क्या हो जाएगा? प्लस। चलिए, तो ये हो जाएगा sec इनवर्स x प्लस y बराबर क्या हो जाएगा? 90 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। अब आगे थोड़ा सा ध्यान देंगे, sec इनवर्स x प्लस ये y है ना। चलिए, तो यहां पर y का मान कितना लिखा गया है? यहां पर y का मान कितना है? तो यहां पर है cosec इनवर्स x। क्या है? cosec इनवर्स x बराबर क्या हो जाएगा? पाई बाई टू, क्योंकि ये डिग्री है, इसको रेडियन में हम चेंज कर दिए, तो क्या हो जाएगा? पाई बाई टू। तो ये आपका प्रूफ हो गया, ये आपका प्रूफ हो गया, ठीक ना। तो अब आप लोग से हम रिक्वेस्ट करेंगे, जो भी हम फॉर्मूला को प्रूफ किए हैं, अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट कीजिए, क्योंकि अभी तक 2-3 लेक्चर दे दिया गया है लेकिन कोई भी कमेंट नहीं किए हैं, सर हमको समझ में आ रहा है नहीं समझ में आ रहा है, ये आप कमेंट कीजिए। लेकिन व्हाट्सएप की व्हाट्सएप पर बहुत लोग लिखे हैं, सर बहुत अच्छा समझ में आ रहा है, सर कोई दिक्कत नहीं है। बाबू ठीक है, कोई दिक्कत नहीं तो बहुत अच्छा है, आप पानी जैसा समझिए, एकदम पानी जैसा एकदम समझ जाइए, ये समझिए ये पानी है। अगर आप समझते हैं ना ये पानी है, तो उसी तरह आप समझिए ये आपको प्रूफ किया है, प्रूफ किया एकदम पानी जैसा समझ में आ रहा है, कोई एकदम दिक्कत नहीं है, तब हमको भी लगेगा नहीं बहुत अच्छे लोग पढ़ाई कर रहे हैं। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। धन्यवाद।